हेलो व्यूअर, स्वागत करता हूँ एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो दोस्तों, पोको C3 और रेडमी नोट 9 प्रो और रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स को एक नया स्टेबल अपडेट देखने को मिला है इंडिया में। तो इनका वर्जन तो चेंज है, आपको मैं पूरा वीडियो में बताऊंगा, लास्ट तक जरूर देखना। तो पोको S2 का MIUI 12.5 अपडेट के ऊपर मैं एक वीडियो बनाया हूँ, आपको मैं आई कार्ड में दे देता हूँ, आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं इसको। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले, आप मेरे चैनल में न्यू हो तो चैनल को देना सब्सक्राइब और साइड में जो बेल आइकन है इसको ऑल पर सेट कर देना, क्योंकि मेरा वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तो वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो एक लाइक भी कर देना। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पोको C3 जो अपडेट मिला है इसका वर्जन के बारे में बात करें तो MIUI 12.0.12.0 10 के ऊपर बेस्ट है और 390 MB का इसका साइज है। तो आपका अपडेटर में ये अपडेट आया है तो ऐसे कर लीजिएगा। तो पोको C3 में अब सिक्योरिटी पैच को जून महीने का कर दिया गया है। कर सकते हैं, नहीं मिला है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां पर जाके चेक कर सकते हैं। और मेरा टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं मिलेगा तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाके भी लिंक चेक कर सकते हैं। रेडमी नोट 10 प्रो और प्रो मैक्स के ऊपर तो आपको बता दूं, ये इसको अपडेट आज मिला है। ये अपडेट सिर्फ पायलट टेस्टर्स के लिए अवेलेबल हुआ है अभी। तो इसका वर्जन के बारे में बात करें तो MIUI 12.5.4.0। इसका साइज के बारे में बात करें तो 621 MB का इसका साइज है। तो ये 11 के ऊपर तो बेस्ट है। तो इसका अपडेट चेंजेस के बारे में बात करें तो एक न्यू चीज हाईलाइट में एक न्यू चीज ऐड किया गया है, डॉल्बी इफेक्ट। तो ये अपडेट आपको मिला है तो आप कर लीजिएगा, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, अब वहाँ पर भी जाके चेक कर सकते हैं। इसका रिकवरी लिंक है मेरे पास, आपको मैं दे दूंगा। तो इसका सिक्योरिटी पैच को अभी जो मई महीने का अपडेट दिया गया है, मई महीने का सिक्योरिटी पैच क्यों दिया है मुझे पता नहीं, लेकिन मई महीने का सिक्योरिटी पैच इसको मिला है। और स्टेटस पर नोटिफिकेशन सेट में जो बॉक्स था इसको फिक्स किया गया है इस अपडेट में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।